Hello guys, this is the difficulty of English. Welcome once again to our channel. So as we have started a series of English logical in our channel, we have already learned 8 logicals in our previous series. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हुआ है तो उसके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से भी उनको क्लिक करके चेक कर सकते हैं. और आज जो हम करने जा रहे हैं अपने 3 न्यू लॉजिकल्स, आइए हम देखते हैं उनमें हमारे लॉजिकल्स कौन कौन से हैं. लेट्स मूव. सो द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डू इज लॉजिकल नंबर 9 एंड दैट इज आर यूज ऑफ एज फार एज. एज फार एज मीन्स जहां तक. फाइन, लाइक इफ आई से As far as I think, यानी जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मैं सोचता हूं, he is late means जहां तक मुझे लगता है वह late है. Next, another example, as far as my knowledge is concerned, India is a golden bird means जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, इंडिया एक गोल्डन बर्ड है. Another example, as far as people are concerned, यानी जहां तक लोगों की बात है, they wanna learn English, वे English सीखना चाहते हैं. Fine. तो इस तरीके से जहां पे भी आपकी बात होती है, जहां तक, उसके आगे आपका कुछ भी लग सकता है, कोई भी आपका सेंटेंस आ सकता है, कोई भी आप टेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक का मतलब जो है हमारा वो एज फार एज होता है. एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी के साथ ही. जहां तक मुझे लगता है आप सब मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो हमने कैसे बनाया इसको, एज फार एज आई थिंक यू ऑल लाइक माय वीडियो. फाइन, तो ये तो हुआ हमारा 9th जो हमने आज लॉजिकल किया है अपनी सीरीज के अंदर पार्ट 4 में. अब हम मूव करते हैं 10th लॉजिकल के तरफ. आइए देखते हैं कि हमारा 10th लॉजिकल क्या कहता है. ओके, लेट्स मूव टू द 10th लॉजिकल ऑफ आवर इंग्लिश सीरीज. 10th जो हमारा लॉजिकल है वो है एज सून एज पॉसिबल. इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके. फाइन, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप यहां आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी हम किसी से कहते हैं किसी काम को बहुत जल्द करने के लिए, तो वहां पर हम अपना एज सून एज पॉसिबल का इस्तेमाल करते हैं. आइए कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आएगा. जैसे मैंने बोला एज सून एज पॉसिबल यानी जितनी जल्दी हो सके यू सी अ डॉक्टर, यानी तुम एक डॉक्टर से मिलो. फाइन, यहां पे हमारा सी का मतलब हो गया मिलना. अनदर एग्जांपल, एज सून एज पॉसिबल आई विल फिनिश माय ऑल डेट, यानी जितनी जल्दी हो सके मैं अपना सारा कर्ज खत्म कर दूंगा या सारे कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊंगा. फाइन, नेक्स्ट, एज सून एज पॉसिबल You should like a video. Fine, जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को हमारे इस वीडियो को लाइक करना चाहिए. फाइन, तो ये था हमारा लॉजिकल जिसके अंदर हमने बात करी है. जब भी आपको कोई एडवाइस करता है किसी काम को बहुत जल्द करने के लिए, तो उसके लिए हम अपना यूज करते हैं एज सून एज पॉसिबल, जिसका पूरा मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके. और हमने यहां पर आपको एग्जाम्पल दे दी है कैसे आपको इनको यूज करना है. अब हम इसके बाद मुड़ने जा रहे हैं अपने 11th लॉजिकल की तरफ. आइए देखते हैं वो हमारा 11th लॉजिकल किस चीज पर बेस्ड है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश लॉजिकल, दैट इज द 11th पार्ट इन द सीरीज इंग्लिश लॉजिकल पार्ट 4. कई बार हम लोग बात करते हैं अच्छा होगा, बेहतर होगा, बढ़िया होगा. इसके लिए आज जो अपना लॉजिकल हम करने जा रहे हैं वो है हमारा लॉजिकल हैड बेटर का यूज.
इस हैड बेटर का मतलब होता है हमारा अच्छा होगा या सही होगा या बढ़िया होगा। हैड बेटर को हम इस तरीके से शॉर्ट में भी कर सकते हैं इंग्लिश रिडक्शन के साथ। यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफ लगा के डी लिख सकते हैं जिसका मतलब हो गया हैड, और ये हमारा बेटर पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ये जो हैड बेटर है हमारा, ये हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए यूज करते हैं। हमारा यहाँ पर हैव नहीं लगेगा, हमेशा हमारा हैड बेटर ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हैड बेटर को हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, आई हैड बेटर गो नाउ बिफोर ट्रैफिक गेट्स वर्स्ट, मतलब अच्छा होगा कि मैं अब चला जाऊं इससे पहले कि ट्रैफिक जो है और ज्यादा खराब हो जाए या ट्रैफिक और ज्यादा जाम हो जाए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, शी हैड बेटर वर्क हार्ड और शी इज गोना फेल इन एग्जाम, अच्छा होगा वो कड़ी मेहनत करे या वो एग्जाम में फेल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर, यू हैड बेटर सर्व योर फैमिली एल्स सोसाइटी विल बॉयकॉट यू, अच्छा होगा तुम अपने परिवार की सेवा करो वरना सोसाइटी वाले आपको बायकॉट यानी बहिष्कारित कर देंगे। फाइन, तो इस तरीके से हमने इनको यूज किया अभी सिंपल में। अब हम इनको नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब हमारे यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जब भी आपको नॉट लगाना होगा तो आप हैड बेटर के बाद नॉट लगाओगे। ध्यान रखिएगा कभी भी हैड और बेटर के बीच में नॉट नहीं आएगा, हैड बेटर के बाद आपको नॉट लगाना है। अगर आप इसको भी शॉर्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप सेम वैसे ही डी अपोस्ट्रोफ लगा के अपना डी लिखोगे फिर बेटर नॉट लिखोगे आप। फाइन, यहाँ हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, वी हैड बेटर नॉट लीव आवर बिलोंगिंग्स लाइक दैट, मतलब अच्छा नहीं होगा अगर हम अपने बिलोंगिंग्स को इस तरीके से छोड़ दें। बिलोंगिंग मतलब होता है हमारा सारा सामान, जो भी कोई हमारी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको जो भी हम अपने साथ कैरी करते हैं उनको हम बिलोंगिंग्स कहते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, यू हैड बेटर नॉट बीट एनी चाइल्ड बिकॉज इट्स एन ऑफेंस, अच्छा नहीं होगा कि आप किसी बच्चे को मारो क्योंकि ये एक ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब होता है क्राइम है ये। फाइन, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, पीपल हैड बेटर नॉट टेक लॉ इन देयर हैंड, लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा अगर वो कानून अपने हाथ में लेते हैं, एल्स वरना दे कैन बी सेंट बिहाइंड बार्स, वरना उनको सलाख के पीछे भेजा जा सकता है। तो जब भी आप कभी बात करते हैं अच्छा होगा बेहतर होगा बढ़िया होगा तो उसके लिए जो है हम अपना लॉजिकल यूज करते हैं हैड बेटर। हैड बेटर का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो हैड बेटर नॉट आपको लिखना है। फाइन, तो इन लॉजिकल्स की हेल्प से आप अपने और भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिनको आपको बनाने में मुश्किलें आती हैं। ये लॉजिकल्स हमारे इसीलिए काम आते हैं ताकि आप अपने और भी जो टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं या थोड़े से जो सेंटेंस आपके इरिलेवेंट होते हैं थोड़े से अटपटे से होते हैं उनको आप इन लॉजिकल्स की हेल्प से बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे हिट करके हमारे वीडियो को एक लाइक दीजिए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना भी ना भूलिएगा। दिस इज जस्टी, थैंक यू सो मच।